अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल। आई एम साजिद अली। टुडे आई शो यू हाउ टू फाइंड बेस्ट एक्सीडेंट्स लॉयर्स मोटरसाइकिल लॉयर्स एक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया के जो ख़तरनाक एक्सीडेंट्स हुए हैं और उन पे क्या कानून बन चुका है कि क्यों किस वजह से एक्सीडेंट्स दिन ब दिन हो रहे हैं और इसका क्या कानून निकाला है, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखें मुख्तलिफ लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। देखें किसी का हैंड फ्रैक्चर हुआ है, ये देखें एक्सीडेंट फॉर बैंडेज इमेजेस बाइक एक्सीडेंट हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप बाइक बिल्कुल सेफली चलाएं। सबसे पहले तो आप अपने बाइक की मॉनिटरिंग करें, उसकी ट्यूनिंग ओके रखें, उसके टायर्स, उसकी हैंड ब्रेक, उसके ऑयल, उसकी इंस्पेक्शन फुल रखा करें, ताकि उसके बाद ही उसको यूज़ किया करें। अक्सर फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई ऐसे ही बाइक को आम चीज़ समझ के चलाए रखते हैं, और अल्लाह ना करे इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई ब्रेक दबाने लगता है तो ब्रेक काम नहीं करती, कहीं पर चैन फंस जाती है, कहीं पर कुछ इशू आ जाता है, ट्यूब ब्लास्ट हो जाती है, और बहुत से एक्सीडेंट हादसा हो जाते हैं। तो उसके बारे में मोटरसाइकिल लॉयर्स एक्सीडेंट्स इसलिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आल्स में एक बार चेक करवा सकता हूँ। आस्क अबाउट मोटरसाइकिल एक्सीडेंट एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली आस्क हाउ मैनी मोटरसाइकिल केसेस देयर वी हैंडलिंग इन द पास्ट ईयर। दे आर वे यू नो डैट द अंडरस्टैंड द नर्सिस एंड इन द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। द नॉलेज हेल्प टू गेट द बेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट फॉर योर केस। तो फ्रेंड वो कह रहे हैं कि इस पास्ट ईयर में काफ़ी हद तक हमने एक्सीडेंट्स को हैंडल किया है, कानून बनाया गया है कि मोटरसाइकिल को चेक किया जाए कंपनीज की तरफ से, कि आप उसको कंपनीज पे भी इसके लॉ लगा दिया, कानून लगा दिया है कि आप मोटरसाइकिल्स को इस तरीके से बनाएं कि हादसा से बचा जा सके। अगर किसी कंपनी किसी ब्रांड की बाइक पर ज़्यादा हादसा होते हैं तो इंटरनेशनल तौर पे लाइक यूएसए, अमेरिका, कनाडा में भी लोग बाइक्स यूज़ करते हैं, तो अगर उसके ज़रिए एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं जिस कंपनी के, तो उसकी अर्निंग पर 30-50% टैक्स उससे टैक्स चार्ज किया जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट इतना वीक क्यों है। तो फ्रेंड मैं भी आपको रिकमेंड ये कहूँगा कि कंपनी की तरफ से तो 100% बाइक बन के आती है, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से होती है। यहाँ पर आपको मैं देख लें, यहाँ पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल कमीशन इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट क्लेम डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स ऑफ योर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट केस वी मे हेल्प टू यू सीक डैमेज फॉर यू। वो बता रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के केसेस में क्या हो सकता है। एक तो मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि अगर आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेडिसिन बैंडेजेस सबका। उसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, कोई चीज़ लॉस होती है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेबिलिटी हो सकती है, मींस कि आप जितने दिनों के लिए बीमार हो गए हैं, चोट लग गई है, कोई हड्डी ब्रेक हुई है, तो आप तब तक अपना वर्क नहीं करेंगे, जॉब पर नहीं जा सकते, तो वो अर्निंग भी लॉस हुई। उसके अलावा पेन एंड सफरिंग, मतलब पेन भी होगी सारी ज़िंदगी। उसके बाद डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बोन्स टूट सकती हैं, हैंड बोन्स, लेग, हेड, ब्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ डिसफिगरमेंट, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेंटल के, जहनी तौर पे भी बंदा पागल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, अगर सर पे जोर लगती है, हारमोनी आप यूज़ करते। उसके बाद लॉस ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मीन्स के जैसे एक फिट पर्सन लाइफ को इंजॉय करता है, वैसे भी नहीं आप कर पाएंगे। उसके अलावा लॉस ऑफ सोसाइटी एंड कंपनी शिप्स, तो प्रॉपर्टीज़ डैमेज व्हेन यू अप्लाईबल। तो फ्रेंड मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि भाई अपनी सेफ्टी को फर्स्ट रखें, बाइक को तेज़ ना चलाएं, लिमिट्स में चलाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि मोटरसाइकिल लॉयर्स लॉयर एक्सीडेंट्स में क्या वजूहत आती हैं और इस पर क्या कानून बना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।